हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दैमद साइंस अकेडमी मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ विटामिन्स ठीक है विटामिन्स के माइक्रोबायोलॉजिकल असे के बारे में हम बात करेंगे सेम जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर जो अपलोड किया है जिसमें हमने माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ अमीनो एसिड अपलोड किया है उसमें जैसे हमने कहा कि अमीनो एसिड एक असेंशियल को फैक्टर है असेंशियल ग्रोथ फैक्टर है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सेम उसी तरीके से जो आपके विटामिनस हैं वो भी आपका ग्रोथ फैक्टर है असेंशियल ग्रोथ फैक्टर है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखना चाहते हैं या हम ये देखना चाहते हैं कि भाई कितने एम पे किसी पर्टिकुलर विटामिन का इतने एम पे इतना ग्रोथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दे रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो है टू मेजर द एबिलिटी इसका जो प्रिंसिपल है टू मेजर द एबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म टू यूटिलाइज द सब्सटेंस सब्सटेंस बींग असेड अंडर ए प्रॉपर न्यूट्रिशनल कंडीशन तो हम जो है वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस uh, हम जो ऐसे करना चाहते हैं उसको कि कितना उसको माइक्रो ऑर्गिज्म यूटिलाइज कर लेता है और फिर ग्रोथ दिखाता है ठीक है द ग्रोथ ऑफ़ टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज प्रोपोर्शनल टू डोज और जो माइक्रो ऑर्गिज्म की ग्रोथ है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी डोज के प्रोपोर्शनल होगी अमाउंट ऑफ फैक्टर एडेड ठीक है कि हम कितना उसमें ऐड कर रहे हैं यानी जो माइक्रो ऑर्गिज्म की ग्रोथ है यानी कि जो उसका रिस्पॉन्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा उसके जो हमारा जो फैक्टर है उसको हम कितना कंसनट्रेशन में ऐड कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो जो आपका जो विटामिन का असर है यहाँ पर हम विटामिन असर कौन सा विटामिन बी ठीक है इसकी हम बात कर रहे हैं विटामिन बी ट्वेल्व को हम साइनोकोबाल अमीन भी कहते हैं ठीक है और और अलग अलग तरीके के विटामिन का विटामिन सी वगैरह का भी पेंटाथिनिक एसिड ये सब जो है बहुत सारे विटामिन बी फाइव पैंटेथिनिक एसिड विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इनके भी आपके ऐसे हैं लेकिन मैंने यहाँ पर जो इंक्लूड किया है वो विटामिन बी ट्वेल्व का किया है ठीक है तो इसके अंदर हम दो तरीके से ऐसे करते हैं टाइट्रोमेट्रिक मैथड ठीक है मैं इसमें ब्लैक टाइट्रोमैट्रिक मैथड और मैट्रिक मैथड इसमें टाइट्रोमैट्रिक मैथड और मैट्रिक मैथड ये आपका टाइट्रीमेट्रिक मैथड है और एक ये तो टर्बिडिटी मैट्रिक मैथड है ठीक है तो टाइट्रीमेट्रिक मैथड और टर्बिडिटी मैथड दोनों ही हम पढ़ेंगे लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं टर्बिडिटी तो तो मैट्रिक मैथड की यहाँ पर जो टाइट्रीमेट्रिक मेथड है उसमें क्या करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन रिएजेंट। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को देखते हैं और उसको हम ग्रोथ को एक प्रॉपर टाइट्रेटिंग एजेंट जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है उससे टाइट्रेट करके और फिर ग्रोथ का एक्सटेंट देखते हैं यहाँ पर टर्बिडिटीमेट्रिक मैथड में ग्रोथ ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटरमाइंड बाय मेजरिंग लाइट ट्रांसमिटेंस बाई यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यानी कि हम ग्रोथ को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जज करते हैं कि भाई इतना लाइट जो है इसका ट्रांसमिटेंस आ रहा है तो इतना परसेंट जो है इसकी ग्रोथ होनी चाहिए ठीक है अब हम बात किसकी कर रहे हैं टर्बिडी मैट्रिक मैथड की यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ठीक है अब यहाँ पर जो है सबसे पहले कुछ प्रिपरेशन सबसे पहले हम बेसल मीडिया की जो प्रिपरेशंस हैं बेसल मीडिया की जो पूरा एक लिस्ट है उसमें जो जो कंटेंट है वो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है बेसल मीडिया के अंदर जो ये जो सारे कंटेंट हैं ये सारे कंटेंट लिए जाते हैं और इसका जो पीएच लिया जाता है वो सिक्स पॉइंट तक मेंटेन किया जाता है ठीक है ना नाउ द सेकेंड प्रिपरेशन दैट इज द टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज सेलेक्टेड मस्ट बी एबल टू यूटिलाइज फ्री साइनोकोबालमिन यानी कि टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि वो टेस्ट ऑर्गेनिज्म हमारा फ्री साइनोकोबालमिन को आ, करने में मतलब कि उसको यूटिलाइज करने में सक्षम हो ठीक है एंड इसमें लैक्टोबैसिलस लेशमानी जो है वो बहुत अप्रोप्रिएट है इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में एलएल से भी रिप्रेजेंट किया कहीं पे तो एलेक्ट्रोबेसिलस लेशमानी हम विटामिन बी ट्वेल्व के लिए खास तौर से जो माइक्रो ऑर्गेजम है वो लेते हैं अब हम बात करते हैं इनोकुलम की प्रिपरेशन जो माइक्रो ऑर्गेजम है उसको प्रॉपर तरीके से कैसे उसका कल्चर बनाया जाए उसके लिए कुछ तरीका होता है वो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ट्रांसफर ए लूप फुल ऑफ लेश्मानी लेक्टोबेसलेशमानी एल एल फॉर लेक्टोबेसल लेशमानी फ्रॉम रिसेंट सब कल्चर आप क्या करिए जो रिसेंट सब सबकल्चर जो तैयार कर रखा है उसमें से एक लूप फुल जो है आप लैक्टोबेसल लेमानी लीजिए इन टू ट्यूब्स इन टू ट्यूब्स ईच कंटेनिंग टेन एम एल स्टेराइल मीडियम और उस हर ट्यूब के अंदर जो है टेन टेन एम एल स्टराइल मीडियम है उसको करीबन आप टेन टू ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस तक तीन सैंतीस डिग्री सेल्सियस पर जो है इंक्यूबेट कर लीजिए नाउ अब जो ये इंक्यूबेशन के बाद अब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करिए उसके बाद सेंट्रीफ्यूज द कल्चर उस कल्चर को सेंट्रीफ्यूज करिए और ऊपर जो आ रहा है सुपरनेटेंट उसको खाली कर दीजिए डिकैंड द सुपरटेंट और जो नीचे सस्पेंडेड कल्चर है सस्पेंडेड सेल कल्चर इनटू द सस्पेंशन मीडियम तो जो नीचे कल्चर है सस्पेंशन सस्पेंडेड कल्चर उसको आप सस्पेंडेड मीडियम में आप ग्रो करवाइए जो सस्पेंडेड मीडियम है उसका मैंने यहाँ पर आपको वो दे रखा है ईस्ट एक्सट्रैक्ट पॉइंट सेवन फाइव ग्राम पैप्टॉन पॉइंट फाइव वन फाइव डेक्सट्रोस वन ग्राम के एच टू पी ओ फोर पॉइंट टू ग्राम टोमेटो जूस फिल्टर टेन एम एल और सॉर्बिटोन मोनो वालियड टेन एम एल ठीक है सोल्यूशन और ये वाटर हंड्रेड एम एल ठीक है अब उसके बाद ग्रो करने के बाद उसे दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करिए सेंट्रीफ्यूज अगेन और उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करने के बाद दोबारा से जो नीचे सेल आ रही हैं वन सेकेंड सस्पेंड सेल इन एस टेन एम सस्पेंशन मीडियम तो जो यहाँ पर सस्पेंडेड सेल आ रही है उसको दोबारा से टेन एम सस्पेंशन मीडियम में डाल देना है ठीक है देन फिर एसेप्टिकली ट्रांसफर करना है ठीक है अब उसके बाद इनक्यूबेट करना है फिर उसके बाद ए सेप्टिकली ट्रांसफर करना है वन एम को ठीक है सो प्रिपेयर सस्पेंशन टू टेन एम एल स्टराइल सस्पेंशन मीडियम अब इसमें से टेन एम टेन एम एल में से वन एम एल लेना है देन फिर आपको उसको टेन एम एल स्टराइल सस्पेंशन मीडियम में डालना है ठीक है अब जाके ये आपकी जो प्रिपरेशन है ये एज ए इनोकुलम रेडी हो गया दिस सस्पेंशन इज यूज एज इनोकुलम तो बार बार आपको उसको करना क्या है बेसिकली दो से तीन बार आप उसको उसका मीडियम डाल रहे हैं उसका मीडियम चेंज कर रहे हैं उसको जो है सेंट्रीफ्यूज कर कर रहे है, कर रहे हैं हैं सस्पेंड सस्पेंशन मीडियम में डाल रहे हैं ऐसा आप दो से तीन बार कर रहे हैं नाउ कम टू द रिएजेंट पार्ट सबसे पहले अब इसमें स्टैंडर्ड बी स्टॉक सोल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है ए सोल्यूशन ऑफ साइनोकोबाल ऑफ कंसनट्रेशन वन माइक्रोग्राम वन माइक्रोग्राम पर एम एल इज मेड वन माइक्रोग्राम पर एम की प्रिपरेशन इज मेड यूजिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट एथेनॉल ट्वेंटी फाइव परसेंट एथेनॉल में आप इसको लीजिए वन माइक्रोग्राम पर एमएल सोल्यूशन में ठीक है ना अब जो है इसके अलग अलग डायल्यूशन बनाइए डायल्यूट स्टॉक सोल्यूशन फ्रेशली टू प्रिपेयर ए सोल्यूशन कंसंट्रेशन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो फोर माइक्रोग्राम पर एम एल ठीक है मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर ओके सो यू हैव हैव टू टू बी प्रिपेयर यू प्रिपेयर

टेस्ट का प्रिपेयर करना है उस यानी कि जो आपने कंसेंट्रेशन जिसकी डिटरमाइन करनी है इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको ऐसी प्रिपरेशंस आपको जो है स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस के लिए करनी है टेन टेस्ट ट्यूब्स और चार टे चार्ट जो प्रिपरेशन्स हैं वो आपको टेस्ट प्रिपरेशन्स करनी है ठीक है अब मैं आपको एक चार्ट से समझाती हूँ कि किस में कितना टेस्ट ट्यूब्स लेना है और किस तरीके से क्या क्या मीडियम और किस तरीके से आप उसको जो है आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस तरीके से हम टेस्ट सोल्यूशन और हमारी जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है उसमें कितना मीडियम किस हिसाब से डालेंगे जो हम टेस्ट ट्यूब्स हैं हमने ये कहा है कि स्टैंडर्ड में हमें 10 टेस्ट ट्यूब्स प्रिपेयर करनी है और उसके अंदर जो स्टैंडर्ड विटामिन बी ट्वेल्व प्रिपरेशन है जो कि एम में हमें डालना है वो जीरो पॉइंट फाइव एम एल वन एम एल वन पॉइंट फाइव एम एल टू एम एल टू पॉइंट फाइव थ्री फोर फोर पॉइंट फाइव फाइव एम एल ठीक है इस तरह से हमें टेस्ट ट्यूब्स स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब्स में डालना है बेसल मीडियम जो इन टेस्ट ट्यूब्स में डालना है वो सभी में ना केवल इनमें सभी में ही हमें 5 एम बेसल मीडियम डालना है बेसल मीडियम का मैंने कंपोजिशन आपको फर्स्ट में ही जो आपका हमने जो स्टार्टिंग में लेक्चर का था वो उसमें मैंने आपको बता दिया था डिस्टल वाटर इसमें हमें 5 एम इसमें 4.5, इसमें 4 एम एल थ्री पॉइंट फाइव एंड वन पॉइंट फाइव और इसमें हमें डिस्टल वाटर नहीं डालना है मतलब दोनों को मिला के हमारा पूरा कंसनट्रेशन टैन हो जाना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर जो है ये टेस्ट प्रिपरेशन टेस्ट ouais टेस्टिप्स हमने चार टेस्ट प्रिपरेशन के लिए लिए वन टू थ्री फोर और यहाँ पर जो ये हमारा जो विटामिन जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो इसमें हमें टेस्ट प्रिपरेशन जो है स्टैंडर्ड टेस्ट प्रिपरेशन इसमें वन एम एल टू एम एल थ्री एम एल फोर एम एल डालना है टेस्ट प्रिपरेशन की कंसनट्रेशन ही हमें पता करनी है उसके बाद बेसल मीडियम फ़ाइव फ़ाइव फाइव फाइव सब में डालना है और डिस्टल वाटर फोर थ्री टू वन एम एल डालना है टोटल वॉल्यूम इस तरीके से मेंटेन करना है कि टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा वो टेन एम हो जाएगा अब यहाँ पर सारी टेस्ट ट्यूब्स में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड करेंगे इंक्यूबेट करेंगे टेस्ट ट्यूब्स को 30 से 37 डिग्री सेल्सियस पे और 16 से 24 घंटे के लिए ठीक है और अब इसका वेवलेंथ हम 640 फोर्टी नाइनोमीटर पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हर टेस्ट ट्यूब की वेवलेंथ को हम जज करेंगे नाउ अब रीडिंग्स लेंगे और उसके बाद रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे रिज़ल्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए इसके अंदर हम रिज़ल्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए हम यहाँ पर साइनोकोबालामिन कंसनट्रेशन माइक्रोग्राम पर एम एल और ट्रांसमिटेंस वैल्यू को एक्स न, को हम प्लॉट करेंगे यहाँ पर इन सारे वैल्यूज़ को प्लॉट करने के बाद जो हमारे टेस्ट सेल टेस्ट प्रिप्रेशन है उनको हम एक्स्ट्रा उनको हम यहाँ पर उनकी ट्रांसमिटेंस वॉल्यू को हम एक्सिस पर लेके एक्स एक्सिस पे एक्स्ट्रा पोलेट करेंगे और हमें यहाँ पर अनोन कंसनट्रेशन का पता लग जाएगा तो लाइक दिस हम जो है टर्बिडिटी मैट्रिक मेथड को एनालिसिस करते हैं अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस की जिससे हम पता लगा सकते हैं विटामिन का ऐसे ना कॉम टू द टाइट्रोमैट्रिक मैथड ठीक है अब हम बात कर लेते हैं टाइट्रोमेट्रिक मेथड में टाइट्रोमेट्रिक जो मेथड है असे का उसमें सेम सारे प्रपरेशन्स आपको सेम रखनी है जो जो हमने पढ़ा स्टॉक सोल्यूशन प्रिपरेशन टेस्ट सोल्यूशन प्रिपरेशन और माइक्रो ऑर्गिज्म का इनोकुलम सब कुछ हमें सेम रखना है इवन ये टेबल भी हमें सेम रखनी है बस अब इसके आगे फर्दर क्या है वो चीज़ मैं आपको समझाती हूँ ठीक है कि अब यहाँ पर आपको सारे जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनको आपको स्टेलाइज करना है आपका आ, एक मिनट में पेन ले लेती हूँ है ना वन टू ये सारे जो टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनमें आपने प्रिपरेशंस डाली हैं स्टैंडर्ड एंड टेस्ट प्रिपरेशंस बेसल मीडिया वाटर जिनका फाइनल आपने वॉल्यूम मेकअप किया है टेन एम तक तो यहाँ पर वॉल्यूम वॉल्यूम जो है एम में ठीक है वो उसको 121 ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस पे आप 15 मिनट के लिए आप सारी टेस्ट ट्यूब्स को स्टेलाइज करेंगे ऑटोक्लेव में ठीक है देन उसे रूम टेम्परेचर पे कूल करेंगे देन सारी जो टेस्ट ट्यूब्स हैं जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगी देन देन उनमें एक लू फुल लेक्टोबैसेस लेशमानी जो हमारा इनोकुलम है उसकी ड्रॉप डालेंगे देन उसको इंक्यूबेट करेंगे 64 फोर टू सेवेंटी टू आवर्स फॉर थर्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है ठीक है अब यहां पर जो है ये सब करने के बाद जब इंक्यूबेशन टाइम कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड टाइट्रेट कंटेंट ऑफ ईच ट्यूब विद जीरो पॉइंट जीरो फाइव नॉर्मल एन ठीक है यहां पर आप क्या करेंगे आप कि यहां पर जो आपके टेस्ट ट्यूब्स हैं ये टेस्ट ट्यूब्स जो हैं जिसके अंदर जो प्रिपरेशन है अब इसको आप टाइट्रेट करेंगे 0.05 नॉर्मल एन के साथ 0.05 नॉर्मल एन के साथ ठीक है तो आपने अपने टाइट्रेशंस में लैब में देखा होगा कि आप उसको ब्यूरेट ये सब जो है आप उसको ब्यूरेट स्टैंड पे लगा देते हैं और फिर जो है एक ब्यूरेट रहती है और इसमें आप जो है इसमें टाइट्रेशन करते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप इस तरह का एक ब्यूरेट सिस्टम आपने ज़रूर देखा होगा ठीक है तो इसमें हम 0.05 नॉर्मल जीरो पॉइंट नॉर्मल एन आप फिल करोगे देन यहां पर आप उसको ट्राइट्रेट करोगे और इसमें जो इंडिकेटर आप यूज करते हैं दैट इज ब्रोमोथाइमोल ब्लू ब्रोमोथाइमोल ब्लू आप एज ए इंडिकेटर आप इसमें यूज करते हो ठीक है <coughs> तो इसमें जो हम यूज करते हैं इंडिकेटर दैट इज द ब्रोमोथाइमोल ब्लू ठीक है अब यहाँ पर जब आप टाइट्रेशन कर रहे हो यहाँ पर जो आपका कंटेनर uh, है उसमें आप ये सैंपल्स लेते जाओगे ये सारी प्रिपरेशन लेते जाएंगे वन बाय वन एंड फिर ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर मिला के आप तब तक टाइट्रेट करोगे जब तक ग्रीन कलर अचीव नहीं हो जाता नाउ ऐसा करते हुए हर किसी की हम एक एवरेज वैल्यू टाइट्रेशन वैल्यूज जो है वो डिटरमाइन करेंगे डिटरमाइन द एवरेज ऑफ टाइट्रेशन वैल्यूज फॉर ईच लेवर स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सैंपल यूज ठीक है अब हम इसमें रिकॉर्ड ऑल द टाइटल रीडिंग्स अब हम सारी जो टाइटल रीडिंग्स हैं इनको रिकॉर्ड करेंगे देन फिर हम इस पर ग्राफ प्लॉट करेंगे ठीक है आप जो ग्राफ प्लॉट करोगे यहां पर आपका वही ये आपका कंसंट्रेशन और आपका यहां पर टाइट्रेशन वैल्यू इसको आप ग्राफ प्लॉट करोगे ठीक है और टाइट्रेशंस ये जो आपकी ये जो सैंपल की टाइट्रेशंस हैं ये आपकी यहाँ जब आपकी एक्स्ट्रा होगी एक्स एक्सेस पे तो एन आपको ये पता लगेगा कि व्हाट इज योर अननोन एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ठीक है तो यहाँ पर हमारा मेथड कंप्लीट होता है आई होप आपको लेक्चर समझ में होगा कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू